क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। लेकिन अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले होते हैं कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं। सोचिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या फिर पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ सिंपली साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड किया जाए, हमारे पास डिसाइड करने का एक तरीका है। अगर आपको फंक्शन जो भी साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन, अगर उसका ग्राफ याद है आपको, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्लियरली आपको दिख रहा है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। और जब भी ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है तो वो फंक्शन ऑड होता है, और अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसे एफ ऑफ माइनस एक्स को हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहां से लिख सकते हो माइनस, क्या आपके पास रूल है साइन इनवर्स, आप मेंशन करोगे जो भी रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप मेंशन करेंगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कुड बी रिटन एज ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देयरफोर साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू हो जाएगा। अब यहां के बाद कैसे प्रोसीड किया जाए कि साइन इनवर्स वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता होना चाहिए, क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि वन बाई टू साइन के किस एंगल के वैल्यू होती है। तो क्लास टेन में जब आप टेबल देखते हैं तो टेबल को ऑब्जर्व करिए, तो वहां से आपको 30 डिग्री, या उसको रेडियन में कहिए तो वो क्या होता है पाई बाई सिक्स होता है, या फिर आप 11 में देखिए यूनिट सर्किल को, ठीक है, वहां से आप देखिए तो वहां से भी आपको पाई बाई सिक्स मिलेगा, या फिर थोड़ा और आप इंटेलिजेंसी आपने अपने अंदर रिगेन करी है तो वहां से आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो होता है साइन एक्स का ग्राफ वन बाई टू, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो पाई बाई सिक्स के लिए होता है। खैर, जो भी आपको तरीका कंफर्टेबल हो, जो भी आप इजी तरीके से आप रिजॉल्व कर पाए, वहां से हम कह सकते हैं कि 1 बाई टू को हम क्या लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, या रेडियन में हमेशा आप लिखेंगे पाई बाई सिक्स रेडियन। ठीक है, तो दैट 1 बाई टू कुड बी रिटेन एज ए साइन पाई बाई सिक्स। ठीक, लेकिन ये आप हिस्सा नहीं रखोगे, आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं रखोगे। ठीक है, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये 1 बाई टू हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ से इसे हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ के पास हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। लेकिन क्या ये हमेशा लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा ये हमेशा नहीं लिख सकते हैं, बस हमें कन्फर्म होना चाहिए कि थीटा जो है साइन इनवर्स का क्या है रेंज के अंदर आता है, या यूँ कहें साइन इनवर्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, ये इसका मतलब ये एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, या तो आपका क्या होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए एक तरह से। खैर, तो यहाँ पाई बाई सिक्स क्या होता है, पाई बाई सिक्स क्लियरली आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर पाई बाई सिक्स आ गया। तो जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू रही साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई सिक्स।